इंडिया वाली माँ एक ऐसा शो है, बहुत ही इमोशनल है एंड फुल ऑन फैमिली ड्रामा। और हमारे साथ एक बहुत प्यारी जोड़ी है जिसे आप जमाने से जानते हैं, अक्षय म्हात्रे और शीन दास। पिया अलबेला में हम आपको देख चुके हैं और अब आप दोनों की जो जोड़ी है वो कमबैक कर रही है इस शो में। सबसे पहले मुझे बताइए कि कैसा रहा आपके शो का रिस्पॉन्स? चारुल, कल हम लोगों का लॉन्च था और हम लोग लॉन्च पार्टी में थे। हमें पता है स्टोरी क्या है, हमें पता है कि एपिसोड में क्या होने वाला है। फिर भी मैं तो सुबक सुबक के रोई हूँ और अक्षय के भी आंख में आंसू थे। इट वाज अ ब्यूटिफुल एपिसोड। एंड अक्षय एंड आई वर डिस्कसिंग, इट फील्स यू नो वी टेक प्राइड इन बीइंग अ पार्ट ऑफ सच अ शो विच गिव्स अ लिटिल ट्रिब्यूट टू ऑल इंडियन मदर्स, जो इतना सैक्रिफाइस करती हैं हमारे लिए, जो इतना सेल्फलेस लव है। एंड वी यू नो आजकल के बच्चे जो हैं फॉर ग्रांटेड लेते हैं उस प्यार को। और बट जो इंडिया वाली माँ होती है ना, वो बचपन से लेके कितने भी बड़े हो जाए बच्चे, शी इज ऑलवेज देयर फॉर देम। इतना इमोशनल हुए कल, शीन ने बताया कि आप यू वर ऑलमोस्ट। या आई मीन लाइक मिडवे थ्रू द एपिसोड मेरा सिर्फ यही दिमाग में चला था कि एड कब आएगी और मैं कब घर पे कॉल करूंगा। एंड एड आई नहीं, एपिसोड खत्म हो गया। एंड देन आई कॉल्ड अप माय मॉम, आई स्पोक टू माय मॉम डैड बोथ ऑफ देम एंड आई आस्क्ड देम कि कैसे लगा। तो माय मॉम का रिएक्शन, अरे ये तो हमारी ही कहानी है, इट्स लाइक समथिंग दैट यू कैन रिलेट टू। एंड लाइक शी रियली लव्ड इट, डैड रियली लव्ड इट, सो आई एम हैप्पी दैट इट डिड। तो आपने अपने अपने मम्मी को मिस किया, और ये आपका जो शो है ये ऐसे टाइम पर, और अक्षय जब हम लॉकडाउन से निकल कर आए हैं, वो समय हमने अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया है, तो शायद वो एब्सोल्युटली कनेक्ट होता है ना, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली इट्स देयर। बिकॉज राइट आफ्टर लॉकडाउन हम शूटिंग पर आ गए हैं और ज्यादा मिस कर रहे हो, क्योंकि आपने बहुत टाइम स्पेंड किया अपने अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मी के साथ। एग्जैक्टली। क्योंकि कैसे था ना कि जब कोई मुसीबत आती है तब आप भाग के कहाँ जाते हो, तो आप अपने घर जाते हो, आप अपने फैमिली के पास जाते हो। लॉकडाउन में हमने यही देखा है कि पीपल वांटेड टू गो बैक टू देयर हाउसेस, वांटेड टू गो बैक टू देयर फैमिली, बी विद देम। एंड दिस शो इज ऑल अबाउट दैट कि आप लाइफ में कहीं भी चले जाओ, कितने भी बड़े हो जाओ, आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाए, आपको द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड थिंक अबाउट इज योर फैमिली, दैट दे आर लाइक देयर बेस्ट फ्रेंड्स। मॉम इज लाइक आपकी सबसे पहली फ्रेंड है वो। आपको कभी उनसे कोई हेल्प मांगने में, कभी कोई प्रॉब्लम शेयर करने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आई बिलीव लाइक दे हैव लाइक द मोस्ट थैंकलेस जॉब। एंड आपको कभी छोटे छोटा सजेशन हो या कभी कोई झिझक नहीं होनी चाहिए उनसे बात करने में। बिल्कुल शीन, ये जो शो का नाम है इंडिया वाली माँ, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि जो इंडियन मदर्स है ना, उनका कोई कंपटीशन नहीं है। फॉरेन में नहीं भी हम है देखो मम्मी मम्मी होती, माँ माँ होती है, बट जो इंडिया की, हमारे कंट्री की जो माँ है ना, वो गिविंग है। वो अपने बारे में सबसे लास्ट में सोचती है, बच्चों का, हस्बैंड का, फैमिली का। लेकिन मैं देखती हूँ फॉरेन कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं, वहां पर सब अपना अपना सोचते हैं। हालांकि राइट हमारी मम्मियों को सोचना चाहिए, मैं तो बोलती हूँ आप सोचो। तो आप लोगों ने ऐसा कुछ उन्हें कहा कि शो की स्टोरी के बारे में बाद में बात करेंगे, तो आप लोग कभी अपनी मम्मी से इस बारे में बात करते हो कि स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ आल्सो? ऑफ कोर्स। क्योंकि कभी कभी ना ऑनेस्टली स्पीकिंग चारुल, मम्मा जैसे कुछ कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, तो वो उनका ब्रेकडाउन हो जाता है, वो रोने लग जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ऐसा मत करो आप। इतने इतनी ज्यादा इमोशनल होती हैं इंडियन मदर्स और इंडिया वाली माँ स्पेसिफिकली, बिकॉज जैसे आपने बोला कि इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मदर इज देयर, बट जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है ना, ही और शी बिकम्स अ टीनेजर, दे लेट द चाइल्ड गो। बट हियर इन इंडिया माँ के लिए ना, वो जब छोटा था ना, वो बड़े होने तक भी वो उसको वैसा ही ट्रीट करती है, उसको उसके लिए हमेशा वहां पे होती है, चाहे कोई प्रॉब्लम आए, कुछ आए, शी विल नॉट लेट द चाइल्ड सफर अलोन, और एंड शी विल ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। अक्षय, मुझे आपके रोल के बारे में बताइए। आपका जो कैरेक्टर नेम है वो रोहन है, और आपका सीन चिन्नम्मा, राइट? एम आई प्रोनाउंसिंग इट प्रॉपरली? बिल्कुल, तो आप मुझे भी बारे पूछना पड़ता है कि मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं। सॉरी, क्या आदत है शी, वो बोलते हैं ना, गलत बोलने से अच्छा एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चिनम्मा, चीनू भी बोल सकते हैं प्यार से। तीनू,
ओके रोहन, पहले आप जानना चाहेंगे आपका कैरेक्टर कैसा है, कहानी अगर आप थोड़ी बहुत रिवील करना चाहें। तो रोहन जो है ये बचपन से ही अपने माँ का लाडला रहा है. ही इज बीन अ पैम्पर्ड चाइल्ड. उसे माँ ने मतलब उंगली पकड़ के चलना सिखाया है और उसे जो चाहिए हमेशा मिला है. तो आगे जाके इसे बाहर अब्रॉड पढ़ने जाना था और माँ बाप ने उसे पढ़ने भेजा बाहर. सो ही इज बीन इन न्यूयॉर्क सिंस पास्ट 5 ईयर्स. वो पहले रोज कॉल करता था, रोज बात करता. अब धीरे धीरे अब हफ्तों हफ्तों महीने महीने कॉल नहीं करता. एंड अपनी ही इज लाइक ही इज द काइंड ऑफ गाय जो आज के जमाने का लड़का है, जो उसे लाइफ में सब कुछ चाहिए. वेरी ही इज अ पैशनेट गाय. ही वॉन्ट्स टू अचीव ग्रेट हाइट्स. उसको ये छोटी दुनिया नहीं चाहिए, उसको बहुत बड़ी चीज दुनिया चाहिए. उसको बहुत बड़े सपने हैं. एंड इन हिज लाइक हिज स्ट्राइव टू रीच द टॉप, वो कहीं ना कहीं अपने रूट से दूर चला गया है. वो इस राइट रेस में इतना आगे बढ़ चुका है कि वो अपने बेसिक्स भूल चुका है. एंड वो लाइफ में वो इतना पैशनेट है, इतना एम्बिशियस है, कि कहीं ना कहीं वो खुद को भी कभी कभी डिसअपॉइंट कर देता है. बिकॉज आप सब कुछ नहीं पा सकते हो लाइफ में. और वो उन स्ट्रगल्स में जब कभी हारता है, कब किसी मुश्किल में आता है, उसे हमेशा ये रहता है कि यार ही सो प्राउड टू इवन आस्क फॉर हेल्प. उसे लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आप अपने माँ को, अपने पापा को आप कॉल करोगे, बट वो नहीं कर पाता बिकॉज ही इज टू प्राउड टू एक्सेप्ट दैट. एंड वेयर एज वही कहानी है कि बच्चे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, वो माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहेंगे. हम हमेशा सोचते कि नहीं यार मम्मी डैडी आप नहीं समझोगे, हमारी प्रॉब्लम है. आप ये बहुत ही अलग दुनिया, आपको नहीं समझ में आएगा हम क्या किससे गुजर रहे हैं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है. वेर एज उन्होंने हमसे बहुत ज्यादा दुनिया देखी है. इवन इफ दे के नॉट हेल्प यू, दे कैन एटलीस्ट बी देयर विथ यू, दे कैन एटलीस्ट बी देयर टू सपोर्ट यू. सो दैट्स हाउ दैट्स गोइंग टू बी द जर्नी व्हेन द मदर कम्स बैक इन द सन्स लाइफ एंड हाउ दे गो अहेड एंड या रीयूनाइट. सुपर सुपर। चीनू, आपके बारे में बताइए, आपका कैरेक्टर कैसा है, क्या क्या पहले शो में जो आपने किया है उससे एकदम डिफरेंट अभी आप कर रही हैं, सो जस्ट टेल अस समथिंग मोर अबाउट योर रोल। शी इज फ्रॉम बैंगलोर, कन्नड़ फैमिली से है। और लेकिन यू नो जैसे उसके फादर चाहते हैं कि वो कन्नड़िगा बोले सिर्फ, और कोई लैंग्वेज ना बोले या अपने कल्चर को एक्सेप्ट करे, सिर्फ साउथ के लड़कों से बात करे, साड़ी पहन के घूमे। तो इन ऑल दैट प्रोसेस नो शी बिकम्स अ रेबल, उसको नहीं करना ये सब। और मदर जो है, शी इज लॉस्ट हर मदर व्हेन शी वाज यंग, तो अब ना वो सब छोड़ के न्यूयॉर्क में है बिकॉज वो उसको नहीं चाहिए वैसी लाइफस्टाइल। और रोहन से बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसका जो बॉयफ्रेंड है उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, और यूएस से बैंगलोर जा रही है टू सपोर्ट रोहन फॉर हिज न्यू बिजनेस सेटअप। अब ये जब बैंगलोर वापस आते हैं, शी गेट्स टू मीट हिज मदर, रोहन मदर, समबड़ी जो अपने बेटे से इतना ज्यादा प्यार कर रही है। इसने देखा ही नहीं अपनी लाइफ में कभी कि शी इज नेवर एक्सपीरियंस दैट मदर्स लव, कि इतना कोई सेल्फलेस कैसे हो सकता है, इतना कैसे वो सैक्रिफाइस कर रही है। इनिशियली शी माइट फील कि शी इज गेटिंग टू इन्वॉल्व, लाइक हाउ वॉट शी इज लर्न फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर, शी इज गेटिंग टू इन्वॉल्व, शी शुड नॉट गेट इन टू आर प्रॉब्लम विल सॉर्ट आउट अपने आप ही। बट द प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग यू नो एक्सेप्टिंग कि ऐसा भी प्यार होता है, आई थिंक काकू इज गोइंग टू मेक हर रियलाइज एंड एक्सपीरियंस वॉट मदर्स लव इज, दैट विल बी द ब्यूटिफुल जर्नी बिटवीन देम। ओके, आपका रोल चीनू चिन्नमा, मुझे थोड़ा थोड़ा दीपिका पादुकोण के रोल से इंस्पायर्ड लग रहा है, क्या ऐसा है कोई कनेक्शन चेन्नई एक्सप्रेस वाला जो फिल्म में था और इसमें? मिनम्मा मेरी बहन का नाम है शो में। चेन्नई एक्सप्रेस नहीं, नहीं आई डोंट थिंक सो। एक एक फैक्ट सिमिलर है कि दोनों डिफरेंट स्टेट से हैं, ये फैक्ट। अक्षय है क्या कुछ सिमिलैरिटी? आई डोंट थिंक सो, नहीं ना? अक्षय नो आई डोंट थिंक सो, नहीं एब्सोल्युटली नो। ओके ओके, अभी आप लोग शूटिंग कर रहे हैं, इट्स वेरी चैलेंजिंग, अभी का जो समय चल रहा है शीन और अक्षय इतना चैलेंजिंग है, लोग घर से बाहर निकलने से पहले 4 बार सोचते हैं, हालांकि अब वो स्टेज आ गई है जो होगा देखा जाएगा, बट सब उस सिचुएशन
सिचुएशन से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं. नो वन वॉन्ट्स की कोरोना से इफेक्ट, कोरोना वायरस आपको पकड़ ले. तो आप शूटिंग के टाइम पे कितना ध्यान रखते हैं और क्या क्या आपके सेट पर होता है? बिकॉज हम लोगों को तो अलाउ नहीं है, मीडिया का एक्सेस नहीं है, तो हम सिर्फ वो सुन रहे हैं और देख रहे हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं. No, firstly speaking, though, it's we are very happy to be back on sets, to be working. So yes, definitely we are very excited about that. But kaisa hai na ki, it is very important for us to be healthy, for us to be safe, so that we can continue working, so that we can continue entertaining people. And like maybe about the safety on the sets, it's completely taken care of. The entire set is sanitized at least twice a day. There are like those sanitizers when you enter the set, all your temperature, maybe oximeter, your pulse rate, is every day it's been measured, and everyone is wearing the mask. We actors, when we're doing the scenes, we try to take it off because otherwise it becomes very difficult for us. But the entire unit is constantly in mask. Then the makeup artists who are like close proximity to us, they are like constantly the PPE kit. We really feel for them because at times it gets really hot and sweaty. I mean, it's a tough job. It's a tough job from them as well. And most importantly, I believe that for us, it is very important taking care of all these things, but taking care of our own immunity, our own health, eat well, take sufficient rest. And because if we are fine, I think work shall not be disturbed then. Okay. Sheen, aap to kuch kha rahi hai akele. Wahi na, kab se pata chala paneer nahi khane ko. मैं वेट कर रही हूँ, पता है. आई एम ट्राइंग टू बी यू नो नाइस इनफ टू नॉट ईट, बट आई एम गेटिंग सो टेम्प्टेड. वही बात है, यहाँ पे मैं कब से, मैं मेरा लंच भी नहीं हुआ अब तक, पता है. तुम खा रहे हो अकेले. मेरा भी नहीं हुआ एक्चुअली, इसके लिए यहाँ पे रखा हुआ है. मैं वेट कर रही हूँ कि खाऊं. अच्छा, ओके ओके. सीन, तो आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है अभी? ऑफ कोर्स अभी हम लोग बंधे हुए हैं, बहुत चीजें, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स है जो फॉलो करने पड़ रहे हैं. But how is the experience, this challenging experience during corona times? You guys are shooting. I know it's very challenging. So how are you coping up? जब मैं शूटिंग में रिज्यूम, मतलब स्टार्ट करने वाली थी, तो मेरा पहला कंसर्न यही था कि मैं घर आऊंगी, हैव टू गो बैक टू माई मॉम डैड, एंड आई डोंट वॉन्ट दैट गिल्ट कि मैं कुछ इन्फेक्शन उनको दूं या कुछ ऐसा हो. तो आई डिस्कस दिस दैट विद माई मॉम एंड डैड. And they were like, तुमको डर लग रहा है, this is good. But इस डर को ना just, it's good that you, in a way that you will take precautions. But इस डर को वैसे मत रखो कि मैं एकदम अब मैं कहीं बाहर ही नहीं जाने वाली. Economy open हुई है for a reason. And let's roll, let's start the new normal. And अभी जब बहुत जल्द vaccines भी आ जाएंगी, सिर्फ तब तक के लिए precautions लो, immunity बढ़ाओ. और फॉर ग्रांटेड मत लो इस चीज को. जल्दी आ जाएंगी वैक्सीन, फिर तो सब ठीक हो ही जाएगा, बाय गॉड्स ग्रेस. राइट. सबसे ज्यादा कंसर्न है इस सिचुएशन में इंडिया वाली माँ को, हमारी मम्मियों को, जो घर बैठ के हमें बोलते हैं बेटा ध्यान रखो, बेटा सेफ रहो, बेटा इम्यूनिटी बढ़ाओ, बेटा आंवले का जूस पियो, बेटा ये करो, बेटा वो करो. तो आपकी जो मम्मी है, यानी कि हमारी इंडिया वाली माँ है, वो क्या क्या कहती है आपको? मेरी इंडिया वाली माँ तो मेरे शूटिंग से वापस आने के बाद सीधा मुझे मेरे बैग्स के साथ बाथरूम में डाल देती है. स्ट्रेट सीधा जाओ और नहाओ, जो कपड़े तुमने धोए हैं वो मैं धोती हूँ. और इनफैक्ट मैं अपनी चीजें जो है, बर्तन वगैरह भी सेट पे ही धोती हूँ, सैनिटाइज करती हूँ, ताकि मम्मा मेरे झूठे बर्तन भी ना धोए, जस्ट फॉर दिस रीजन की कोई चांस ना हो कि इन्फेक्शन कहीं पे भी हो. तो आज तो वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस आजकल मैं ले रही हूँ. और इंडिया वाली माँ तो मतलब आते ही एक सैनिटाइजर गन की तरह. सिर्फ इंडिया वाली माँ भी नहीं, शीन भी वो एक सैनिटाइजिंग गन लेके सेट पे घूमती रहती है और सब पे मारती रहती है. ओके ओके ग्रेट. तो आई कैन कनेक्ट वेरी वेल. मैं शो देखूंगी आपका. To be very frank, मैंने नहीं देखा, मतलब कल आपका शो लॉन्च हुआ है, मैं आज से देखूंगी अब. एंड आई गिव यू माई कैंडिड फीडबैक ऑल्सो. एंड जाते जाते आप इंडिया टीवी के व्यूअर्स से, आपके जो फैंस हैं, आपके लॉयल फैंस हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे कि आपके शो को क्यों देखें? बिकॉज आजकल बहुत सारे शोज आ रहे हैं, अक्षय, शीन, मैं नाम नहीं लूंगी शोज का, सुपर नेचुरल पावर्स है, कहीं कुछ है, बट ये जो कहानी है ये घर घर की कहानी है.
सो आई फील वेरी कनेक्टेड टाइटल देखने और सुनने के बाद, आपसे बात करने के बाद. तो आप चलते चलते व्यूअर से क्या कहेंगे? मैं सब यही कहूंगा कि ये जो शो है ये लाइक ये बहुत ही दिल से निकली हुई बात है, कहानी है. इट इज समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू ऑल द पीपल मेकिंग इट, बिहाइंड इट, राइटिंग इट, शूटिंग इट, एक्टिंग इन इट. इट इज वेरी स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस. हम जब सीन्स भी करते हैं तो हमें वो फील होता है, हम खुद को देखते हैं, हमें वी एक्चुअली कैन कनेक्ट टू सो मेनी थिंग्स. एंड आई रियली होप हमारी जो मेहनत है, हम जिस प्यार से शो को बना रहे हैं, लोगों को भी वो शो उतना ही पसंद आए. एंड अगर ये शो देखने के बाद अगर दो तीन लोग भी अपने घर पे अपने माँ बाप को कॉल करें, सो इट विल बी लाइक अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. Sheen, you know, this makes it different from all other shows, Charul. It's so simple. The basic line, storyline of the story is so simple. It's beautifully shot. It'll touch your heart. हमारा तो मतलब first episode देखने के बाद, अगर हमें story पता होने के बाद भी हम रो दिए, तो I'm sure कि ये लोगों के दिल को छुआ है. और एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज जो है वो पूरी दुनिया को, आज जो जैसे अक्षय ने बोला रैट रेस में सब बिजी हैं, तो उन तक वो मैसेज पहुंचा रहा है कि बेसिक रिलेशनशिप्स का ध्यान रख लो. ध्यान में नहीं रख पाए तो टच में रहो, टच मत लूज करो अपनी माँ के साथ, क्योंकि ये इंडिया वाली माँ है, ये आपके साथ हमेशा देगी. तो आप भी कुछ नहीं तो सही, थोड़ा तो टच में रहिए. और डिफरेंट है बाकी शोज से, बहुत बहुत दिल के करीब है हम सबके. और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग, इंडिया टीवी के सारे दर्शकों को, तो पहले तो हम थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग अस एंड फॉर ऑलवेज लविंग अस सो मच. चारुल, आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप जो है हमें अपने फैन से कनेक्ट करवा रहे हैं और उन तक हमारा मैसेज पहुंचा पा रहे हैं. थैंक्स टू यू. एंड सारे फैंस को बस यही बोलना चाहूंगी कि इंडिया वाली माँ देखिए सोनी टीवी पर 8:30 से 9 बजे तक. बिल्कुल देखेंगे ये शो, बिल्कुल दिल के करीब है, क्योंकि मम्मी हम सबके दिल में बसती हैं और ये इंडिया वाली माँ के लिए ये शो डेडिकेटेड है. बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. लुकिंग फॉरवर्ड, ऑल द वेरी बेस्ट टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर योर टाइम. जल्दी मिलेंगे एंड ऑन एयर मिलते हैं, जल्दी देखते हैं आपको. थैंक्स टू यू चारुल, टेक केयर, बाय. थैंक यू शीन, थैंक यू अक्षय, बाय. थैंक यू, बाय.